हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबी क्लासेस। केबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं आप सबों के लिए इस वीडियो में बीएसएससी 10 प्लस 2 के जो प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, दो डेज में आपका 5 फरवरी और 29 जनवरी 2017 को एग्जाम, और प्रत्येक सीट में 30-30 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें से हम आज लेके आए आपका 5 फरवरी का जो क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, 30 क्वेश्चन का यहाँ पे देखेंगे हम, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा मैंने इसके जो जनरल साइंस जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया नहीं, लेकिन उसको देख लीजिए। एक रिक्वेस्ट और आपसे है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो या लेसन अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बिकर मूलतः होते हैं। तो ये जो आपका बिकर है मूलतः क्या होते हैं, ठीक है, ये बिकर जो मूलतः होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो ये मायोपिया देखिए क्या होता है, ये मायोपिया जो होता है आपका ये निकट दृष्टिदोष होता है। निकट दृष्टिदोष मतलब हो गया कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मीटर से नापी जाती है, कौन सा यंत्र से नापी जाती है। ये नापी जाती है आपको हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है आपका, जो सबसे कम होता है वो किसका होता है आपको, बैंगनी का होता है। किसका होता है, बैंगनी का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का होता है। देखिए ये बैंगनी सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है आपको, लाल का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा। तो कार्य का जो एसआई मात्रक क्या होगा वो क्या हो जाएगा आपको, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये आपका दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है। आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष के बारे में, कि प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी खगोलीय दूरी के माप के लिए प्रयुक्त इकाई है। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10^15 मीटर होता है। कितना होता है, 9.46 × 10^15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आंसर हो जाएगा आपको ध्वनि हो जाएगा। क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्यों नहीं है ये आपका, ठीक है। देखिए ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होगा, कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे चार आपका देख लीजिए, इसमें कौन सा आंसर, आंसर हो जाएगा आपको 6.63 × 10^34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6.63 × 10^34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। हल्दी जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो आपको तना से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लसिका इसमें उपस्थित होती है, लसिका किसमें उपस्थित होती है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ए है आपका संवाहक उत्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संवाहन उत्तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। जो पीलिया रोग होता है, ये देखिए पीलिया रोग क्या है आपका, तो पीलिया रोग आपको बता दूं कि पीलिया रोग जो होता है वो जॉन्डिस रोग से पीड़ित व्यक्ति का लीवर में जो संक्रमित होता है उसके रक्त में किसके कारण से होता है, ये बिलीरुबिन के कारण से होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको, यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सेग्योवोरस होते हैं, सर्प, केचुआ,
कॉकरोच या मच्छर, ये हो जाएगा आपका मच्छर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मच्छर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपका ये जो पीयूष होगा, यहाँ पीयूष होगा, ये पीयूष जो होगा आपको मास्टर ग्रंथि होगा, क्या होगा पीयूष आपका क्या है मास्टर ग्रंथि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यह विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है। ये टोकोफेरोल रासायनिक नाम है, किस विटामिन का यह रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है टोकोफेरोल होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। मतलब आपका विटामिन का जो रासायनिक नाम क्या होता है आपको, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपको टोकोफेरोल जो होता है, ये आपका है ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है, तो नायलॉन में किस प्रकार का बंद होता है आपको एमाइड बंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इस ग्रह के वायुमंडल में H2 की प्रचुर मात्रा होती है, कौन सा ग्रह में H2 की प्रचुर मात्रा होती है, शनि ग्रह है जहाँ पे H2 की मात्रा प्रचुर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर, 4.8 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमान अनुपात T1/T1 कितना होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है